नमस्ते दीदी, अहाँ एबेर कोन प्रकार के ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करा रहल छी? नमस्ते रोहन, आइ बेर हम अहाँ के सिटीजन सेंट्रिक सर्विस जेना कि बैंक सुविधा, बीमा सुविधा, कास्ट सर्टिफिकेट जारी करेनाई, रेसिडेंस सर्टिफिकेट के जारी करेनाई इत्यादि ओही के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम सँ बतबा जा रहल छी। ई दिलचस्प लागि रहल छै। दीदी, कृपया हमरा बताउ एहि सेवा के हम कोन प्रकार इस्तेमाल कऽ सकै छी? बिल्कुल रोहन, चलू विभिन्न प्रकार के ई डिस्ट्रिक्ट सेवा शुरुआत करै छी, जाहिमे कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट के जारी भेनाई शामिल छै। नमस्ते गीता, हमरा अपन कास्ट सर्टिफिकेट केना भेटत, एकरा बारे में हमरा कनी विस्तार सँ बताएब। हाँ बिल्कुल, कास्ट सर्टिफिकेट के सुविधा भारत सरकार भारतीय संविधान के अनुसार विशिष्ट जाति के, उप जाति के, भारतीय नागरिक के विशेष योजना और आरक्षण जेना फायदा के लेल उपलब्ध कराबैत अछि। कास्ट सर्टिफिकेट के पत्र के आवेदन के लेल अहाँ एहि चरण के अनुसरण करू। पहले ई एप्लीकेशन फॉर्म के डाउनलोड करू, फेर बिना कोनो गलती केने सब जरूरी डिस्क्रिप्शन भरू। ओहि के बाद अपन कोनो नजदीकी नोटरी के पास जाकर ओकरा नोटराइज कराओ। अप्लाई करो से पहले फॉर्म के एक बार नीक से पढ़ लिया। की हमरा अप्लाई करे के साथ कोनो डॉक्यूमेंट लगाबो के जरूरत है? हाँ, अहाँ के कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ ई डॉक्यूमेंट सब लगाबो पड़त। कोनो एक पहचान पत्र जेना कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस, आरएसबीवाई कार्ड, आधार कार्ड, सरकार या अर्ध सरकारी संस्थानों द्वारा जारी करायल गेल कोनो पहचान पत्र, पैन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड, कोनो एक पता प्रमाण पत्र जेना कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बिजली के बिल, पानी के बिल 7/12 और 8A के कॉपी या किराया के रसीद या टेलीफोन बिल, राशन कार्ड या प्रॉपर्टी के कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट के लेल एकटा एफिडेविट, अपन कोनो रिश्तेदार के कास्ट प्रूफ, अहाँ के या अहाँ के पिताजी के प्राथमिक विद्यालय के प्रमाण पत्र के प्रति, आवेदक या हुनकर पिता या हुनकर रिश्तेदारों में से किनको जन्म प्रमाण के प्रति, गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड बुक जैमे जाति, आवेदक के पिता या रिश्तेदारों के सामुदायिक श्रेणी के डिटेल होबक चाही, सोशल जस्टिस द्वारा जारी करायल गेल जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज, जांच समिति द्वारा जारी करायल गेल पिता या रिश्तेदार के वैधता प्रमाण पत्र, राजस्व आलेख या ग्राम पंचायत के आलेख के प्रति, जाति के अधिसूचना के दिनांक से पहले के निवास प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट के लेल की हमरा कोनो एप्लीकेशन फीस से हो जमा कराबा पड़ते? नहीं, बिल्कुल नहीं। निवास प्रमाण पत्र के लेल एप्लीकेशन भरे के प्रोसीजर की छे? निवास प्रमाण पत्र के एप्लीकेशन के विधि ओना ही अछि जेना कि कास्ट सर्टिफिकेट जारी कराबा के अछि। एहि मामला में कोन डॉक्यूमेंट के जरूरत होइ छे? जे डॉक्यूमेंट अहाँ के निवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ लगाबो के आवश्यक अछि ओ नीचा देल छे, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, एहि में से कोनो एकोटा पहचान पत्र। ध्यान दियो कि एप्लीकेंट के नाम, एप्लीकेशन
और आधार कार्ड दुनू में एकेटा होबक चाही। निर्धारित प्रोफॉर्मा पर सेल्फ डिक्लेरेशन 18 वर्ष कम उम्र के बच्चा के मामला में कुनु वयस्क के सेल्फ डिक्लेरेशन के जरूरत पड़े छै। एप्लीकेशन जमा कराबा या ओकर वेरिफिकेशन के वक्त एप्लीकेंट के तस्वीर वेब कैमरा से लेल जेते। एप्लीकेंट के तस्वीर आधार कार्ड से मिलवाक चाही। अहां के प्रेजेंट रेजिडेंशियल प्रूफ कुनु एक जेना पहले बतायल गेल अछि। जन्म तिथि के प्रूफ जेना कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। 3 साल से लगातार दिल्ली में रह के प्रूफ जेना कि एजुकेशन सर्टिफिकेट, बिजली बिल, घर के टैक्स, पानी बिल आदि। ध्यान दियो, ई जान लेनाय जरूरी छै कि सबटा डॉक्यूमेंट्स गेजेटेड ऑफिसर द्वारा प्रमाणित होबक चाही। अहां के हुनकर आई कार्ड के कॉपी और हुनकर फोन नंबर से हो साथे लगाबक अछि। ई सर्टिफिकेट लेल कुनु एप्लीकेशन फी के जरूरत हेतै? नहीं, ई सेवा बिल्कुल फ्री छै। आखिरकार ई सर्टिफिकेट के इशू होबा में कतेक दिन लागै छै? ज्यादा नहीं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट 14 दिन के भीतर इशू भ जाय छै। ओह, ई तो बढ़िया बात छै। एकर अलावा आर कुनु एहन इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है जेकर जानकारी हमरा होबक चाही? हाँ छै ना, हमरा इनकम सर्टिफिकेट के बारे में सेहो जागरूक होबक चाही, जे की फैमिली से जुड़ल सबटा इनकम पर आधारित रहै छै। एकर एप्लीकेशन के प्रक्रिया कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंस सर्टिफिकेट जेना होइत अछि, जेना कि हम एखने चर्चा केने छलहुँ। पर फर्क बस इतबे छै कि ई सेवा चार्जेबल छै। इनकम सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन के फी कतेक छै? केवल 30 रुपए। वाह, ई तो सस्ता छै। आर इनकम सर्टिफिकेट कत्ते दिन में भेट जाय छै? ज्यादा नहीं, देल गेल एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन के बाद अहां के इनकम सर्टिफिकेट अहां के 7 दिन के भीतर मिल जात। हम वोटर आईडी लेल कोन प्रकार अप्लाई कऽ सकै छी? वोटर आईडी कार्ड बनाबऽ के लेल अहां के एप्लीकेशन फॉर्म 6 भरऽ के जरूरत अछि। आवेदन के एक्सेप्ट भेला के बाद अहां के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज भ जात। की हम वोटर आईडी के लेल ऑनलाइन सेहो अप्लाई कऽ सकै छी? हाँ बिल्कुल, बस किछ आसान स्टेप्स के पूरा करऽ पड़त। स्टेप 1, भारत के चुनाव आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाओ। स्टेप 2, आप नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल पर क्लिक करू। स्टेप 3, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर पर क्लिक करू। स्टेप 4, डिटेल सब भरू और जरूरी डॉक्यूमेंट सब अपलोड करू। स्टेप 5, फिर अंत में सबमिट पर क्लिक करू। सबमिट पर क्लिक केला के बाद अहां के रजिस्टर्ड ईमेल पर एकटा प्रोविजनल वोटर आईडी लिंक आबि जायत। ओही लिंक से अहां अपन वोटर आईडी के एप्लीकेशन के स्टेटस जान सकै छी। आवेदन केला के बाद कतेक दिन में हमरा हमर वोटर आईडी भेट जायत? अहां के अपन आवेदन के तिथि से 1 महीना में आवेदन वोटर आईडी प्राप्त भ जात। वोटर आईडी के आवेदन के लेल हमरा कोन डॉक्यूमेंट्स के आवश्यकता हैत? अइ के लेल अहां के एकटा पासपोर्ट आकार के फोटो, एक आइडेंटिटी प्रूफ और एकटा एड्रेस प्रूफ के जरूरत हैत। एखन तक हम सब सरकारी वेबसाइट से जरूरी जानकारी निकालऽ के बारे में सीखलहुँ हैं। आओ अब हम सब एकटा मजेदार गतिविधि में हिस्सा ली। हम डिजिटल लॉकर के बारे में भी सुनने छी, की अहां हमरा ओकर लाभ के बारे में बता सके छी? हाँ बिल्कुल,
डिजिटल लॉकर सरकार द्वारा जारी डॉक्यूमेंट सबके एक्सेस करो के लेल एकटा सुरक्षित जरिया छै। ई आधार द्वारा प्रदान कयल गेल प्रमाणिकता सेवा के उपयोग करै छै। ई भौतिक दस्तावेज के उपयोग के समाप्त करै छै और सरकारी संस्थान में वेरिफाइड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साझा करय में सक्षम बनाबै छै। ई नागरिक सब के लेल एकटा समर्पित व्यक्तिगत ई स्टोरेज जगह प्रदान करै छै जे हुनकर आधार संख्या सँ जुड़ल रहै छै। ई सरकारी विभाग और संस्थान में कागजी कार्रवाई के कारण होबय वला एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा के कम करै छै। ई समय और मेहनत के बचत करै छै क्योंकि ऐसा दस्तावेज कोनो समय और कतौ इलेक्ट्रॉनिक तरीका से उपयोग कयल जा सकै छै। डिजिटल लॉकर में साइन अप करय के लेल कोन चीज के जरूरत छै? अहां के अपन आधार संख्या और ओइसे जुड़ल मोबाइल संख्या के जरूरत हैत। हम डिजिटल लॉकर केना बना सकै छी? साइन अप के लेल डिजिटल लॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ। साइन अप बटन पर क्लिक करू। ओइ के बाद अपन मोबाइल नंबर दर्ज करू और कंटिन्यू बटन के दबाओ। अपन मोबाइल नंबर पर प्राप्त भेल ओटीपी दर्ज करू और वेरीफाई बटन दबाओ। ओइ के बाद अपन यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करू। साइन अप बटन पर क्लिक करू। अपन आधार नंबर दर्ज करू और सबमिट बटन के दबाओ। ओटीपी दर्ज करू और वेरीफाई बटन के चुनू। ओइ के बाद अपन मौजूदा डॉक्यूमेंट्स के ऑनलाइन डालय के लेल डैशबोर्ड के देखू। अहां कोनो ईमेल आईडी पर अपन डॉक्यूमेंट शेयर कर सकै छी। अहां अपलोड कयल गेल डॉक्यूमेंट्स पर ई साइन सेहो कर सकै छी जे कि डॉक्यूमेंट सब पर ऑफिशियल डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में कयल जा सकै छै। बैंकिंग सेहो एकटा जरूरी सिटीजन सर्विस छै। ई सर्विस कस्टमर के फाइनेंशियल सर्विस उपलब्ध करबै छै जैसे लोग अपन जिंदगी बेहतर बना रहल छै। आइ काल्हि बैंक के सर्विसेज काफी एडवांस भेल जा रहल छै जे कि कस्टमर के आकर्षित करै छै और मदद सेहो करै छै। अहां के बस किछ आसान स्टेप के फॉलो करय के अछि। स्टेप 1, पहले अहां के तय करय के हैत कि अहां कोन प्रकार के बैंक अकाउंट खुलबाबय चाहै छी, जेना कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट। स्टेप 2, फिर अपन पसंद के कोनो बैंक में जाकर बैंक अधिकारी सँ मिलू। स्टेप 3, ओइ के बाद बैंक अकाउंट खुलबाबय के लेल ओपनिंग फॉर्म भरू। स्टेप 4, अपन बैंक अकाउंट खुलबाबय के लेल रेफरेंस दियो। स्टेप 5, फिर ओइ फॉर्म के जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करा दियो। स्टेप 6, अहां के बैंक अकाउंट खोलय के फॉर्म बैंक अधिकारी के द्वारा वेरीफाई कयल जायत। स्टेप 7, अंत में अहां के अपन नवका खुलल अकाउंट में इनिशियल अमाउंट जमा कराबय पड़त। स्टेप 8, अंत में अहां अपन चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग डिटेल लऽ सकै छी। की अहां विस्तार में बता सकै छी कि हम इंटरनेट बैंकिंग के कोन तरह से उपयोग कऽ सकै छी? हां बिल्कुल, मान लियो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अहां के अकाउंट अछि। आप SBI के ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग शुरू करय के लेल पहले अहां के SBI के ब्रांच में जाय पड़त और ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के लेल रजिस्टर कराबय पड़त। फिर अहां के पोस्ट के माध्यम सँ ऑनलाइन SBI के पहले बेर लॉगिन करय के डिटेल मिल जायत। ओइ के बाद अहां के एकटा नवका यूजर आईडी, नवका लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड बनबाबय पड़त। ओइ के बाद ऑनलाइन SBI इंटरनेट बैंकिंग के वेबसाइट www.onlinesbi.com पर जाओ और लॉगिन बटन के क्लिक करू।
फिर कुनु मैसेज के साथ एकटा नया पेज खुलत। अहाँ ओहि मैसेज के ध्यान सँ पढ़ लिअ और फिर कंटिन्यू टू लॉगिन बटन के क्लिक करू। फिर एकटा नवका पेज खुलत जाहि पर अहाँ के SBI द्वारा प्रोवाइड कयल गेल यूजर नेम और पासवर्ड डालय पड़त। फिर लॉगिन बटन के क्लिक करू। ओहि के बाद अहाँ अपन पसंद के यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा बनाओ और ओकरा सेव कर दियो। संगे अहाँ के अपन पसंद के प्रोफाइल पासवर्ड बनाब के या दर्ज कराब के जरूरत अछि। एहि तरह सँ अहाँ के ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट भ जायत। अहाँ तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में यानी PMJDY के बारे में सेहो सुनने हेबै, जे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लेल एकटा नेशनल मिशन छै। जन धन योजना के की उपयोग छै? जन धन योजना ई सुनिश्चित करै छै कि हमरा सस्ता माध्यम सँ फाइनेंशियल सर्विसेज मिलै, जेना कि बैंकिंग सर्विस, सेविंग और डिपॉजिट अमाउंट, भेजल गेल रकम, क्रेडिट, बीमा और पेंशन। कुन बैंक से हमरा ई सुविधा भेट जात? एहि के लेल हम कुनु भी बैंक के ब्रांच या बिजनेस करेस्पोंडेंट या बैंक मित्र आउटलेट पर जाकर जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलवा सकैत अछि। अगर अकाउंट होल्डर चेक बुक लेब चाहैत छै तऽ ओकरा मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया पूरा करय पड़तै। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट खुलवाबे के लेल कुन डॉक्यूमेंट्स के जरूरत हो छे? अहाँ के बस आधार नंबर के जरूरत है। अगर अहाँ के एड्रेस बदल गेल है तो प्रेजेंट एड्रेस के एकटा सेल्फ सर्टिफिकेशन सेहो काफी रहत। अगर आधार कार्ड नहीं हुआ तो कुनु ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के जरूरत हेतै, जेना कि वोटर आईडी कार्ड, जेना कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या नरेगा कार्ड। अगर एहि दस्तावेज पर से हो अहाँ के पता अछि तो ई पहचान और पता दुनू के सबूतक काज कऽ देत। कि एहि डॉक्यूमेंट के जगह कोनो औरो डॉक्यूमेंट लगा सकै छियै? अगर किनको पास एहि मे सँ कोनो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं छै लेकिन ओ बैंक द्वारा लो रिस्क के कैटेगरी में छै, तो बतायल जा रहल निम्न डॉक्यूमेंट सँ कोनो तरह के डॉक्यूमेंट के सबमिट कऽ कऽ बैंक में अकाउंट खुलवा सकै छी, जेना कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेटरी या रेगुलेटरी अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल अथॉरिटीज द्वारा जारी कयल गेल एप्लीकेंट के फोटो लागल आइडेंटिटी कार्ड, गेजेटेड ऑफिसर द्वारा एकटा लेटर जाहि पर व्यक्ति के फोटो विधिवत रूप सँ अटेस्टेड होबक चाही। की अहाँ हमरा PMJDY के योजना के फायदा के बारे में बता सकै छी? हाँ बिल्कुल। ई योजना जमा राशि पर ब्याज उपलब्ध कराबै छै। 1 लाख के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दै छै। कोनो प्रकार के मिनिमम बैलेंस के जरूरत नै हेतै। ई 30,000 के जीवन बीमा सेहो उपलब्ध कराबै छै, जे कि लाभार्थी के मृत्यु के पश्चात पात्रता के सबटा शर्त के पूरा केला के बाद मिल जाय छै। भारत में कुनु भी आसान तरीका सँ पैसा भेजल जा सकै छै। 5,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रति घर में केवल एक अकाउंट में उपलब्ध छै। खास तौर पर ई घर के महिला के भेटै छै। सरकारी योजना के लाभार्थी के एहि अकाउंट में प्रत्यक्ष ट्रांसफर के द्वारा लाभ मिल जेतै। 6 महीना तक अकाउंट के संतोषजनक संचालन के बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा के सेहो परमिशन द देल जेतै। पेंशन और बीमा उत्पादन के पेनाई PMJDY के तहत पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के दावा के भुगतान तखन कैल जाय छै यदि रुपया कार्ड धारक कोनो भी बैंक ब्रांच, बैंक मित्र
ATM, POS, e-com आदि में कम से कम एकटा सफल फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लेन देन केने हुए। अही तरह से लोग सबके बीमा सुविधा से हो अवगत होबक चाही। जीवन बीमा पॉलिसी बीमा कंपनी के संग एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट अछि। प्रीमियम पेमेंट के बदला में बीमा कंपनी बीमाकृत के मृत्यु पर व्यक्ति के लम सम पेमेंट जकरा डेथ बेनिफिट कहल जाय छे जे प्रदान करे छे। की ई सर्विस ऑनलाइनो उपलब्ध छे? हाँ, आई के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी खरीदल जा सके छे। की अहाँ हमरा ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करे के बारे में विस्तार से बता सके छी? हाँ बिल्कुल, LIC के ई टर्म के प्राप्त करो के लेल अहाँ के अही स्टेप के फॉलो करो के जरूरत अछि। स्टेप वन, सबसे पहले www.licindia.in पर जाओ। स्टेप टू, बाय ऑनलाइन चुनला के बाद ई टर्म के चुनू। फिर अपन सुनिश्चित राशि और पॉलिसी टर्म्स के चुनू। ध्यान दियो, पॉलिसी टर्म्स ओ अवधि छै जै के बाद अहाँ कवर चाहत छी। पॉलिसी होल्डर के दुर्भाग्यपूर्ण डेथ के बाद बीमा राशि के भुगतान नॉमिनी के देल जायत छै। फेर एहि फॉर्म में किछु बेसिक डिटेल एंटर करू, जेना नाम, उम्र, जेंडर, क्वालिफिकेशन आदि। ओय के बाद एकटा प्रीमियम कैलकुलेटर चुनल गेल पैरामीटर के लेल प्रीमियम के कैलकुलेट करत। बीमा किश्त उम्र, जेंडर, टर्म्स, अश्योर्ड सम, हेल्थ, तंबाकू के व्यवहार पर निर्भर करत। 50 लाख से अधिक के सुनिश्चित राशि पर गैर तंबाकू उपभोक्ता के लेल बीमा के प्रीमियम रेट कम होइत छै। फिर एनुअल, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली में से एकटा प्रीमियम पेमेंट मोड चुनू। www.licindia.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरू और ऑनलाइन से प्रीमियम पे करू। स्टेप एट, ऑनलाइन भुगतान के बाद इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट जरूर राखू। की सरकार के द्वारा आरो कोनो इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कैल गेल छे? हाँ, सरकार अटल पेंशन योजना प्रोवाइड केने अछि, जै के तहत वीकर सेक्शन के लोग अपन बुढ़ापा के लेल एकटा अमाउंट जमा कऽ कऽ राख सकै छै और गारंटीड मंथली पेंशन अमाउंट प्राप्त कऽ सकै छै। एहि योजना के तहत ग्राहक के 60 साल के उम्र के बाद हुनका योगदान राशि और अवधि के आधार पर तय पेंशन भेटा लागत। हम अटल पेंशन योजना लेल केना अप्लाई कर सके छी? हाँ, योजना के लेल बैंक वेबसाइट और थर्ड पार्टी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध एकटा सब्सक्राइब फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सके छी। जेना कि अगर अहाँ बैंक से अप्लाई कर रहल छी तो ई स्टेप के फॉलो करू। स्टेप वन, पहले कोनो वेबसाइट से अटल पेंशन योजना के फॉर्म डाउनलोड करू या फिर अही के बैंक से प्राप्त कर लियो। स्टेप टू, फॉर्म भरू और ई ध्यान राखू कि देल जा रहल सबटा इन्फॉर्मेशन सच और सही आई। स्टेप थ्री, फॉर्म के संग आधार कार्ड के फोटोकॉपी जरूर लगाओ। स्टेप फोर, फिर जे पेंशन अहाँ के 60 वर्ष के उम्र के बाद चाही ओय के चयन करू। ओय के बाद अहाँ के पता चल जात कि अहाँ के हर साल कते प्रीमियम देबा पड़त। स्टेप फाइव, फिर अपन सेविंग अकाउंट नंबर के एंटर करू। अगर अहाँ के पास सेविंग अकाउंट नंबर नहीं अछि तो अहाँ अय के सेम ब्रांच में नॉर्मल कंडीशन के संग या जनधन योजना के तहत खोल सके छी। स्टेप सिक्स, चुनल गेल पेंशन राशि के तहत हरेक महीना अहाँ के जमा खाता से
अपने आप प्रीमियम काट लेल जात। अय के सहमति अहां के योजना के लेल भरल गेल फॉर्म में देबा पड़त। स्टेप 7, अय सब के भर लेब के बाद अहां एक बेर अपन बैंक अधिकारी सब पूछ सके छी कि हुनका फॉर्म के साथ और कुन डॉक्यूमेंट्स के जरूरत छैन, और ओ अहां के सबटा फॉर्मेलिटी के पूरा करे में मदद करता। अय योजना के लेल अप्लाई करे वाला व्यक्ति के एज लिमिट की छै? 18 से 60 साल। सरकार हाई रिस्क कैटेगरी जेना मैकेनिक, मजदूर, बहुत सारा यात्रा करे वाला ट्रक ड्राइवर्स के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJY के तहत एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मुहैया कराबैत अछि। हम ई योजना में इनरोल केना भ सकै छियै? अहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लेल किछु सरल स्टेप के पालन कऽ कऽ ऑनलाइन एनरोल कऽ सकै छी। पहले अपन SBI इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करू। सफलतापूर्वक लॉग इन करो के बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लिंक पर क्लिक करू। फिर एकटा नवका पेज खुल जायत जहां अहां के अपन योजना और अकाउंट नंबर चुनो पड़त। ओय के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करू। ओय के बाद CIF नंबर चुनू और सबमिट बटन के क्लिक करू। ओय के बाद एकटा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायत जहां पर अहां के कुछ बेसिक और नॉमिनी के डिटेल भरा पड़त। कुछ डिटेल जेना कि नाम, पता आदि पहले से दर्ज कैल गेल हेते। सबटा डिटेल एंटर केला के बाद एंटर बटन के दबाओ। अय के बाद अहां सफल रजिस्ट्रेशन के एकटा मैसेज देखबै और एकटा रेफरेंस नंबर सेहो अहां के प्रदान कैल जायत। अहां स्टेटस टैब के उपयोग कऽ कऽ अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेटस के सेहो देख सकै छी। की अहाँ हमरा अय योजना के लाभ उठाबे के बारे में एज लिमिट की छै से बता सके छी? हाँ बिल्कुल, अय योजना के उम्र लिमिट 18 से 70 वर्ष छै। की सरकार सीनियर सिटीजन के लेल भी एहन कोनो बीमा योजना उपलब्ध कराबे छै? हाँ बिल्कुल, यूनियन कैबिनेट सीनियर सिटीजन के लेल वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 यानी VPBY के मंजूरी दे देने छै। 8% प्रत्येक वर्ष के रिटर्न के गारंटी दर पर ई योजना 10 साल के लेल पेंशन प्रदान करे छै। कृपया हमरा ई योजना के बारे में किछ और बताबू। ई योजना 10 साल तक निश्चित तौर पर पेंशन के अस्योरिटी दैत छै। योजना के उद्देश्य 60 साल के आयु के लोग के फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करबैत छै। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत मिनिमम पेंशन 500 रुपया और मैक्सिमम 5000 रुपया प्रति महीना देल जायत। LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में लॉक इन पीरियड 15 साल होइत छै। ग्राहक के पास मंथली, क्वार्टरली, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन चुनने के विकल्प हेते। पेंशन सीधा ECS या NEFT के माध्यम से पेंशन भोगी के बैंक अकाउंट में जमा भ जेते। चेक या डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कैल जेते। LIC से प्राप्त नॉर्मल पेंशन पर कर लागू छै, लेकिन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत भुगतान कैल गेल प्रीमियम के धारा 80 के तहत टैक्स से छूट देल गेल छै। पॉलिसी धारक 3 साल के पूरा होब के बाद लोन लऽ सकै छै। खरीद मूल्य के 75% राशि उच्चतम संभावित लोन के राशि हेतै। पेंशन भोगी के मृत्यु पर नॉमिनी के जमा कैल गेल अमाउंट वापिस मिल जायत छै। की एहन कोनो सेवा सरकार द्वारा उपलब्ध करायल गेल छै जे हमरा अपन लैंड डिटेल्स के एक्सेस करय के अनुमति प्रदान करे छै?
हाँ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड के ऑनलाइन लैब के कोशिश में जुटल छै। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा पारदर्शिता लाबक के लेल कतेक राज्य सब पहले सब अपन लैंड रिकॉर्ड के कंप्यूटराइज्ड केने छै। ई त बहुत बढ़िया बात छै। ई सर्विस के हम केना प्राप्त कर सके छी? बस अहाँ के किछ आसान स्टेप्स के फॉलो करो के जरूरत अछि। सबसे पहले अपन स्टेट के आधार पर वेबसाइट पर जाओ। एग्जाम्पल के लेल यदि अहाँ के लैंड उत्तर प्रदेश में अछि तो अहाँ के www.bhulekh.up.nic.in लिंक पर जाय पड़त। स्टेप टू, फिर अहाँ ओ डिस्ट्रिक्ट चुनू जै में अहाँ के जमीन मौजूद अछि। मान लिय सूची में से अहाँ गौतम बुद्ध नगर के चुनलिया। स्टेप थ्री, ओय के बाद तहसील या राजस्व मंडल के चुनू जै के अधिकार क्षेत्र में ओ भूमि आबे छे। तहसील के तालिका में गौतम बुद्ध नगर के चयन करू और ओय के बाद अपन गांव या इलाका चुनू। मान लिय अहाँ के जमीन अट्टा गुजरा में अछि। रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेंशन जमीन नंबर प्रदान कऽ कऽ लैंड डिटेल आप प्राप्त कयल जा सकै छै, जे आसानी सँ ऑनलाइन पर पायल जा सकै छै। एग्जाम्पल के लेल मान लिय हमरा केस में 67 अछि। फिर 67 दर्ज करू और सर्च के बटन दबाओ। अहाँ के अधिक डिटेल के लेल जेना खसरा और खाता सेहो भर पड़ सकैत अछि। अगर अहाँ के लैंड नंबर में अधिक अलॉटीज अछि तो साइट अहाँ के डिटेल के सर्च करत। बाद में ई नीला बॉक्स पर क्लिक करू जै के बाद अहाँ डिटेल्स देख सकै छियै। हम स्कॉलरशिप के लेल अप्लाई करय चाहै छी, तो की अहाँ कृपया सरकार द्वारा देल गेल कोनो एहन सर्विस के बारे में बता सकै छी जे स्कॉलरशिप के जुड़ल मामला पर काज करै छै? हाँ बिल्कुल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP एकमात्र समाधान अछि जै के माध्यम सँ स्टूडेंट के स्कॉलरशिप से संबंधित विभिन्न सर्विसेज प्रोवाइड कयल जाय छै। ई सर्विसेज छै स्टूडेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के रसीद, प्रसंस्करण के साथे स्कॉलरशिप के मंजूरी, स्टूडेंट सब के विभिन्न स्कॉलरशिप के वितरण। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के नेशनल ई गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन प्रणाली परियोजना के रूप में लेल गेल छै। वर्तमान में NSP में 9 भाग लेबय वाला मंत्रालय या विभाग और 21 पंजीकृत योजना छै। एहि पहल के मकसद छै सिंप्लीफाइड, मिशन ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और पारदर्शी स्मार्ट सिस्टम। ई स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के तेज और प्रभावी डिस्पोजल के एंश्योर करैत छै और बिना कोनो गड़बड़ी के फंड लाभार्थी के खाता में पहुंच जायत छै। ई पोर्टल के इस्तेमाल कऽ कऽ हम स्कॉलरशिप के कोन तरह से अप्लाई कऽ सकै छी? ई बहुत आसान छै, बस अहाँ के किछ स्टेप्स के फॉलो करय पड़त। पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल http://scholarships.gov.in/new-student-regfrm. पर जाओ और फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज के माध्यम से अपन रजिस्ट्रेशन करवाओ। सिस्टम के द्वारा देल गेल इंस्ट्रक्शन के अनुसार एप्लीकेशन के भरू और फिर सबमिट के क्लिक करू। सेव केला के बाद अहाँ के एकटा टेम्पररी ID मिलत। फिर बाद के डिटेल्स के भर के लेल अपन टेम्पररी ID और डेट ऑफ बर्थ भरू। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म जमा कर के बाद एकटा परमानेंट रजिस्ट्रेशन ID बन जायत, जकरा एप्लीकेशन के स्टेटस और रिन्यूअल के लेल प्रयोग कयल जायत छै। कि हम फॉर्म सबमिट केला के बाद ओ अपन डिटेल एडिट कर सकै छी? नहीं, जखन तक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरा नहीं भ जाय छै तखन तक अहाँ डिटेल्स में बदलाव नहीं कर सकै छियै।
हम फ्यूचर में अपन स्कॉलरशिप के रिन्यूअल केना कह सकै छी? स्कॉलरशिप के रिन्यूअल के लेल अहाँ के अपन बैंक अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जेना अहाँ पिछला बेर रजिस्ट्रेशन करेने रहिए, ओही सब के जरूरत हैत। अहाँ फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक कऽ कऽ अपन आईडी दोबारा प्राप्त कऽ सकै छी। अही तरह ई हॉस्पिटल सरकार द्वारा प्रदान कयल गेल सबसँ इम्पोर्टेंट सर्विस में सँ एक छै। ई आईसीटी सॉल्यूशन पर आधारित हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम छै, जे स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल के लेल छै। की अहाँ हमरा एहन कोनो हॉस्पिटल के नाम बता सकै छी जे ई सिस्टम के तहत सर्विसेज प्रोवाइड कऽ रहल छै? पोर्टल पर हॉस्पिटल्स के लिस्ट छै, जे के माध्यम सँ पेशेंट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कऽ सकै छै। मरीज के रजिस्ट्रेशन के लेल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी ORS विकसित कयल गेल छै। ई एकटा ऑनलाइन पोर्टल छै, जहां आधार धारक नागरिक भारत के विभिन्न स्टेट्स और केंद्र शासित राज्य में सेहो हॉस्पिटल सब में नियुक्ति के लेल नामांकन कऽ सकै छी। ई हॉस्पिटल द्वारा आर कोन अन्य सर्विस प्रदान कयल जाय छै? एहि सर्विस के माध्यम सँ कोनो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में OPD में अपॉइंटमेंट, लैब के रिपोर्ट और ब्लड एवेबिलिटी के जानकारी ऑनलाइन सेहो भऽ गेल छै, और ई आसानो छै। की हम एहि के द्वारा अपन पत्नी लेल भी अपॉइंटमेंट लऽ सकै छी? हाँ बिल्कुल, एहि के लेल किछु स्टेप्स के फॉलो करऽ के जरूरत अछि। स्टेप 1, सबसे पहले http://ors.gov.in/copp-appointment.jsp पोर्टल पर जाओ। फिर पेशेंट के आधार नंबर दर्ज करू। अगर पेशेंट के मोबाइल नंबर UIDAI के साथ रजिस्टर होइत छै, तो UIDAI सँ SMS द्वारा वन टाइम पासवर्ड यानी OTP भेजल जेतै। OTP अपॉइंटमेंट के लेल आधार धारक के UIDAI मे अपन KYC डेटा के हॉस्पिटल के साथ शेयर करऽ के लेल अनुमति देबा पड़तै। अगर हुनकर मोबाइल नंबर UIDAI संग रजिस्टर्ड नहि छै, तखन हमरा की करे के चाही? एहने मामला में आधार के अनुसार पेशेंट के नाम देबक चाही, और UIDAI के संग डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के बाद पेशेंट के मोबाइल नंबर और अन्य विवरण जेना एड्रेस, एज आदि देबक के अनुरोध करबाक चाही। अगर उपयोगकर्ता के पास आधार नंबर नहीं छै, तो ओ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट केना दर्ज कर सकै छै? एहन केसेस में यूजर के पेशेंट के आइडेंटिटी प्रदान करबा के बाद हॉस्पिटल सँ OPD कार्ड प्राप्त करऽ पड़ैत छै। ओहि के बाद यूजर के OPD अपॉइंटमेंट के डिटेल देबा वाला SMS के द्वारा एक कन्फर्मेशन भेजल जाय छै। आधार नंबर सँ अपन वेरिफिकेशन केला के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स के चुनल गेल रोगी के जांच के लेल जाय के होइ छै। फिर अपॉइंटमेंट के डेट के सेलेक्ट करू और एक SMS के माध्यम सँ कन्फर्मेशन प्राप्त करू। अंत में लेल गेल डेट या समय पर हॉस्पिटल जाओ। आधार सबके लेल इंडियन गवर्नमेंट के तरफ सँ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा जारी कयल गेल 12 अक्षर वाला अद्वितीय पहचान संख्या छै। हम आधार के लेल केना इनरोल कऽ सकै छी? आधार कार्ड में एनरोल करऽ के लेल किछ चरण के पालन करऽ के आवश्यकता अछि। स्टेप 1, सबसे पहले एनरोलमेंट के फॉर्म भरू। फॉर्म के भरऽ में अगर अहाँ के कठिनाई भऽ रहल अछि, तो अहाँ एनरोलमेंट ऑपरेटर के मदद लऽ सकै छी। ऑपरेटर लोकल सपोर्ट जेना गांव के अधिकारियों, फील्ड इंस्पेक्टर,
इंट्रोड्यूसर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, सिविल सोसाइटी आउटरीच, COS आदि से सहायता लेबा में अहां के गाइड कर सकैत अछि। की हमरा अपना संगे कोनो डॉक्यूमेंट्स लऽ के जाय पड़त? हाँ, अहां के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और पहचान पत्र यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी POI, निवास प्रमाण, प्रूफ ऑफ एड्रेस POA, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ DOB, रिश्ता के प्रमाण, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप POR, अही डॉक्यूमेंट सब के एकटा फोटोकॉपी वेरिफिकेशन के लेल लऽ जाय पड़त। अहां अई सब में से कोनो के फोटोकॉपी नहीं लऽ जा रहल छी तो एनरोलमेंट सेंटर अहां के फोटोकॉपी उपलब्ध करात। स्टेप 2, अई के बाद वेरिफायर POI, POA, DOB, POR के जांच डॉक्यूमेंट सब से कैल जेते। फिर वेरिफायर वैलिडेट कैल गेल डॉक्यूमेंट पर फोटोकॉपी पर साइन और मुहर लगेते। अई के बाद एनरोलमेंट ऑपरेटर एनरोलमेंट फॉर्म से एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में वेरिफाई डेमोग्राफिक रेसिडेंस डेटा डाले छे। यदि अहां के डेटा रजिस्ट्रार्स आइडेंटिफायर के द्वारा सुधारल जा चुकल ये, एनरोलमेंट ऑपरेटर रेसिडेंट्स डेमोग्राफिक जानकारी के जांच कऽ कऽ ठीक करे छे या फिर ओकरा पूरा भरे छे। अई के बाद एनरोलमेंट ऑपरेटर वेलफेयर सर्विसेज के वितरण में लागल संगठनों के साथ अहां के जानकारी साझा करो के लेल अहां के सहमति मांगल जात। ओय के बाद ऑपरेटर यस या नो के रूप में अहां के रिस्पांस जाना के लेल एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में एकटा उपयुक्त विकल्प के चुनते। एनरोलमेंट ऑपरेटर के ई जांच पड़ते कि RGI जनगणना या सेंसस अधिकारी ने आबादी या जनगणना सर्वेक्षण के लेल अहां के घर के दौरा कैल गेल छे और NPR रसीद नंबर यानी TIN के सौंपने छे। फिर ओ एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में NPR नंबर डाले छे। कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा एमे एनरोल भ सके छे? हाँ बिल्कुल, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के केसेस में माता पिता या अभिभावक के नाम और आधार या एनरोलमेंट नंबर में से एकटा दर्ज कैल जेते। NPR नंबर दर्ज केला के बाद एनरोलमेंट ऑपरेटर ई देखा के लेल जांचे छे कि अहां के आंख और उंगलियां गायब या अंग विच्छेद ये या नहीं, और एनरोलमेंट सेंटर सुपरवाइजर एकर पुष्टि करे छे। यदि अहां लग में कुनू बायोमेट्रिक एक्सेप्शन अछि तो अई के बायोमेट्रिक एक्सेप्शन के रूप में डेमोग्राफिक स्क्रीन पर सेहो दर्ज कैल जेते। ऑपरेटर मिसिंग आई इंडिकेशन या मिसिंग फिंगर इंडिकेशन के विवरण में सेहो सही जानकारी दर्ज करे छे। अई के बाद ऑपरेटर अहां से पूछत कि अहां अपन प्रेजेंट बैंक अकाउंट के कि अपन आधार से जोड़ चाहित छी, कि अहां के आधार के आधार पर कि एकटा नया बैंक अकाउंट खोला चाहित छी। अगर अहां फाइनेंशियल इंक्लूजन के योजना के हिस्सा बनो के लेल सहमत छी तो ऑपरेटर ई जांच करते कि अहां के पास कोनो भी बैंक में से एकटा में प्रेजेंट बैंक अकाउंट ये या नहीं। यदि सूचित कमर्शियल बैंक में से कोनो एकोटा में अहां के अकाउंट अछि तो ऑपरेटर के बैंक के नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर जेना अकाउंट डिटेल प्राप्त करबक चाही। यदि अहां एकटा नया अकाउंट खोला चाहै छी तो ऑपरेटर एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में आई के मेंशन करते, फ्यूचर में अहां के लेल एकटा खाता खोलल जात। फिर एनरोलमेंट ऑपरेटर वेब कैमरा के द्वारा अहां के चेहरा के तस्वीर लेत। यदि अहां के पास में मिसिंग आई इंडिकेशन या मिसिंग फिंगर इंडिकेशन अछि तो आई के कैमरा से फोटो लेल जात। अई प्रकार एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स IRIS के जानकारी लिखत और एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट के जानकारी सेहो लिखत।
ओय के बाद ऑपरेटर अहाँ के सामने राखल एकटा मॉनिटर पर दर्ज भेल डेटा देखत और यदि आवश्यक भेल तो ऑपरेटर अहाँ के सबटा डिटेल पढ़ कर सुनत ताकि ई इंश्योर कयल जा सके छे कि सबटा डिटेल सही छे। अगर अहाँ डेटा में कोनो भी प्रकार के सुधार के मांग करबै तो एनरोलमेंट ऑपरेटर के एनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर में सुधार करो पड़ते। कि ऐ तरह के बदलाव के लेल कोनो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरूरी छे? हाँ, उपनाम बदलल गेल जिना बड़का कार्यों में एनरोलमेंट ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगत। एनरोलमेंट ऑपरेटर ओ आधार के लेल कन्फर्मेशन और साइन ऑफ के लेल अपन फिंगरप्रिंट्स प्रदान करै छै जे आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में दर्ज कय लेल जाय छै। एनरोलमेंट एजेंसी सुपरवाइजर के फिंगरप्रिंट्स के आवश्यकता भ सकै छै। अगर कोनो अपवाद जेना कि उंगली या आँख के कमी और अगर बायोमेट्रिक के क्वालिटी नीक नहीं छै तो फोर्स कैप्चर के ऑप्शन के उपयोग कयल जाय छै। परिचयकर्ता के आधार पर एनरोलमेंट के केस में परिचयकर्ता के अपना फिंगरप्रिंट से साइन ऑफ क के ई पुष्टि करय पड़ै छै कि दर्ज कयल गेल सबटा जानकारी सही छै। अगर परिचयकर्ता एनरोलमेंट के दौरान खुद मौजूद नहीं छै तो एनरोलमेंट वाला दिन के अंत तक परिचयकर्ता के द्वारा वेरीफाई कयल जा सकै छै। ओही तरह परिवार के प्रमुख HOF बेस्ड एनरोलमेंट के केस में परिवार के हेड के हुनका फिंगरप्रिंट से साइन ऑफ करय पड़तै ई सुनिश्चित करय के लेल कि दर्ज कयल गेल जानकारी सही छै। अंत में ऑपरेटर के अहाँ के द्वारा सिलेक्टेड लैंग्वेज के चुनो पड़ते जै में प्रिंट रिसीप्ट पर लागल डिक्लेरेशन टेक्स्ट प्रिंटेड हेते। ओय के बाद ऑपरेटर एक्नॉलेजमेंट स्लिप और एकटा A4 आकार के शीट में सहमति फॉर्म प्रिंट करते। ऑपरेटर के केंद्र से प्राप्त शीट के फाड़ पड़ते। ऑपरेटर स्लिप पर साइन करते और अहाँ के देत। ओय के बाद अहाँ के सहमति फॉर्म पर साइन करो पड़त और ऐ के ऑपरेटर के वापिस करो पड़त। अगर निवासी 5 साल से कम के बच्चा छै तो बच्चा के माता पिता या अभिभावक जकर एनरोलमेंट आईडी सॉफ्टवेयर में दर्ज कयल गेल छलै सहमति फॉर्म पर साइन करते। POA, POI और DOB प्रमाण के साथ सहमति फॉर्म के फिर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित प्रोसीजर के अनुसार जमा कयल जाय छै। ई बढ़िया छै, लेकिन अगर आवश्यक हेतै त आधार नंबर प्राप्त केला के बाद डेटा में कोनो परिवर्तन करल जाय सकै छै? जरूर, अगर निवासी के कोनो प्रकार के डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक डेटा के अपडेट करय के जरूरत छै तो ओ अपडेट एनरोलमेंट प्रोसीजर के अनुसरण कर सकै छै। ई प्रोसीजर नवका एनरोलमेंट के समान छै। हम ई प्रोसीजर के एक्सप्लेन करै छी। ई प्रोसीजर कैप्चरिंग रेसिडेंस डेमोग्राफिक डेटा से शुरू होइ छै। एना करय के लेल अहाँ के मेन्यू बटन पर क्लिक करय पड़त, फिर लाइफ साइकिल चेंजेस पर क्लिक करय पड़त, फिर अहाँ के अपडेट रेसिडेंस इन्फॉर्मेशन विकल्प चुनो पड़त। एतो पहला स्टेप अछि कि आधार नंबर और निवासी के नाम के भरय के छै। ई याद रखक चाही कि अपडेट शुरू करय के लेल आधार नंबर और निवासी के नाम आवश्यक छै। NPR सेहो एकटा जरूरी फील्ड छै, मगर ई उपलब्ध नहि छै तो अहाँ नॉट गिवन चेकबॉक्स के सेलेक्ट कर सकै छी। यदि निवासी एकटा नवजात अछि तो कृपया चेकबॉक्स में द रेसिडेंट इज लेस देन 5 years old के चुनू। अगर निवासी के अपन बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करय के जरूरत छै तो आवश्यकता अछि तो कृपया बायोमेट्रिक डिटेल्स के चेकबॉक्स के चुनू। अगला स्टेप में नाम में सुधार कर सकै छी।
नाम एकटा जरूरी फील्ड छै जाहिमे भले ही सुधार के जरूरत नै छै तखनो एकरा भरल जाइत छै। नाम में सुधार करय के लेल ऑपरेटर के न्यू नेम टेक्स्ट बॉक्स के पास दिखाई देबय वाला एडिट आइकन पर क्लिक करय पड़त। ई एकटा नया नाम के बॉक्स बना देत। नाम में कोनो भी प्रकार के सुधार के लेल कोनो भी वैलिड डॉक्यूमेंट जेना कि आइडेंटिटी प्रूफ यानी वेरिफिकेशन के लेल POI के साथ नाम के मिलान भेनाय आवश्यक छै। अगला कदम निजी जानकारी में सुधार केनाय छै। आई सेक्शन में जेंडर और एज या DOB में सुधार शामिल छै। एडिट आइकन पर क्लिक कऽ कऽ एकरा ठीक कयल जा सकै छै जे ओकरा संबंधित फील्ड्स के एनेबल कराबै छै। अगला स्टेप में संपर्क के जानकारी में सुधार शामिल छै। मौजूदा कॉन्टैक्ट डिटेल के कॉन्टैक्ट सेक्शन के हेडर बार के दाईं ओर उपलब्ध एडिट आइकन पर क्लिक कऽ कऽ ठीक कयल जा सकै छै। ऑपरेटर द्वारा मोबाइल और ईमेल फील्ड्स के छोड़ कऽ एडिट पर क्लिक करय के बाद कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंतर्गत सबटा फील्ड एनेबल भ जेतै। ई ऑपरेटर द्वारा ध्यान राखक चाही कि सबटा फील्ड ठीक सँ भरल अछि। एड्रेस फील्ड में कोनो भी वेरिफिकेशन के लेल एड्रेस के पार्ट प्रूफ जेना कि एकटा वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ समर्थित होबक चाही अर्थात वेरिफिकेशन के लेल POA। निवासी के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के सही करो के लेल ऑपरेटर के देल गेल फील्ड के लेल संबंधित एडिट आइकन के क्लिक करय पड़त। एहि पेज के अंतिम फील्ड इन्फॉर्मेशन के शेयरिंग सहमति के निवासी के अनुरोध के अनुसार साझा कयल जा सकै छै। एनरोलमेंट डेटा के अपडेशन में अगला स्टेप अछि रेफरेंस देनाय। रेफरेंस बटन पर क्लिक करय के पश्चात संबंधित पेज खुलत। एहि स्टेप में वेरिफिकेशन के लेल सही कयल गेल डिटेल्स के वैलिड डॉक्यूमेंट्स के प्रावधान शामिल छै। डेमोग्राफिक डिटेल में बदलाव के लेल अहां के मान्य दस्तावेज पहचान पत्र POI के रूप में और निवास प्रमाण जमा कराबय पड़त। आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के मुताबिक ड्रॉप डाउन बटन अइ प्रत्येक सेक्शन में कयल गेल सुधार के लेल आधार पर एनेबल होइत छै। ऑपरेटर के देल गेल ड्रॉप डाउन मेन्यू सँ ओही डॉक्यूमेंट नाम के चयन करय पड़तै जेना कि वेरिफिकेशन के पर्पस के लेल निवासी द्वारा जमा कयल गेल छै। अगला पेज पर संबंधित डिटेल फील्ड के भरू। ई डिटेल जरूरी अछि। यदि एनरोल निवासी एक नवजात अर्थात 5 साल सँ कम उम्र के अछि और अन्य निवासी के लेल वैकल्पिक अछि। एकटा नवजात निवासी के लेल ऑपरेटर के ड्रॉप डाउन बटन सँ संबंध चुनय पड़तै और ओकरा नाम और एनरोलमेंट आईडी या आधार नंबर दर्ज करय के आवश्यकता हेतै। 5 वर्ष और ओहिसँ अधिक उम्र के निवासी के लेल यदि विकल्प वेरीफाइंग यूजिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चुनल गेल तँ रिलेटिव डिटेल्स फील्ड के गैर अनिवार्य या वैकल्पिक मानल जाइत छै। 5 वर्ष और ओहिसँ अधिक उम्र के निवासी के लेल यदि विकल्प इंट्रोड्यूसर सेल वेरीफाई द रेसिडेंस आइडेंटिटी एड्रेस चुनल गेल अछि तँ रिलेटिव डिटेल्स के सत्र गैर अनिवार्य या वैकल्पिक भ जाइत छै। 5 वर्ष और ओहिसँ अधिक उम्र के निवासी के लेल यदि हेड ऑफ फैमिली सेल्फ वेरीफाई रेसिडेंस आइडेंटिटी एड्रेस के ऑप्शन चुनल गेल अछि तँ रिलेटिव डिटेल्स क्षेत्र अनिवार्य भ जाइत छै। एनरोलमेंट डेटा के अपडेशन के अंतिम स्टेप रसीद के छपाई छै। एनरोलमेंट फॉर्म में चेंज्ड डाटा साझा केला के बाद
ई देल गेल डिटेल के साथ एक सफल विंडो डिस्प्ले करत। सक्सेस मैसेज ऐसा पता चले छे कि एनरोलमेंट डेटा में अपडेशन सफलपूर्वक पूरा भ गेल अछि। एनरोलमेंट आईडी एनरोलमेंट पूरा होबक के बाद जे आईडी जनरेट होइ छे ओकरा एनरोलमेंट आईडी कहल जाय छे। ओ है रसीद पर प्रिंटेड होइ छे। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के प्रिंट के लोकल भाषा में लेबक लेल एकटा चेक बॉक्स सेहो अछि। रसीद में लोकल भाषा में डिक्लेरेंस स्टेटमेंट के प्रिंट करबा के लेल आई बॉक्स के चुनो पड़त। आई विंडो के नीचा तीन टा बटन डिस्प्ले होइ छे। एकर उपयोग एनरोलमेंट रसीद के छपाई के लेल, डॉक्यूमेंट्स के अटैच करो के लेल और अगला नामांकन में जाय के लेल कैल जाय। सर्विस डिलीवरी के दौरान आधार के इस्तेमाल केना भ सकै छै? आधार सीडिंग एकटा एहन प्रक्रिया छै जै के द्वारा निवासी के यूआईडी सही रूप सँ सेवा प्रदाता के सेवा वितरण या डिलीवरी डेटाबेस में आधार के द्वारा प्रमाणीकरण के जारी करबाक लेल जोड़ल जायत छै। हमर आधार कोन तरीका सँ SBI बैंक खाता सँ जोड़ल जा सकै छै? एहि के लेल अहाँ के SBI इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल www.onlinesbi.com पर जाय पड़त। ओय के बाद माय अकाउंट्स के नीचा लिंक योर आधार नंबर पर जाओ। ओय के बाद अकाउंट नंबर चुनू, आधार नंबर दर्ज करू और सबमिट पर क्लिक करू। फिर मानचित्रण यानी मैपिंग के स्थिति के सलाह ग्राहक के ओकर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर देल जेते। अहां अपन ATM चैनल के कुनु भी ATM के प्रयोग कऽ कऽ अपन बैंक खाता के साथ अपन आधार के जोड़ सकैत छी। एहि के लेल पहले अपन ATM कार्ड स्वाइप करू और अपन पिन नंबर एंटर करू। फेर मेन्यू सर्विस रजिस्ट्रेशन के चुनू। ओय के बाद आधार रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के चुनू। ओय के बाद खाता के प्रकार और अपन आधार संख्या दर्ज करू। की हम अपन आधार मोबाइल फोन से सेहो लिंक कर सके छी? हाँ बिल्कुल, अपन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567676 पर एहि तरह से SMS करू UID स्पेस आधार नंबर स्पेस अकाउंट नंबर। अगर अहाँ के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या अगर अहाँ के आधार अहाँ के खाता से पहले से जुड़ल अछि तो अहाँ के SMS से जवाब आबि जायत। अगर अहाँ के मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड है अहाँ के रिक्वेस्ट के कन्फर्मेशन SMS के द्वारा भेट जायत। फिर अहाँ के आधार नंबर UIDAI के साथ बैंक द्वारा जांचल जायत। अगर ई जांच असफल रहले तो उपभोक्ता के एकटा SMS भेजल जेते कि ओ SBI शाखा से अपन आधार नंबर या ई आधार के साथ संपर्क करू। हम आधार के बैंक ब्रांच के साथ केना लिंक कर सके छिए? कुनु भी SBI ब्रांच में आधार नंबर या ई आधार के कॉपी लऽ कर जाओ। शाखा में आधार पत्र के जेरोक्स प्रति के साथ अनुरोध पत्र जमा करावा पड़त। जरूरी जांच के बाद शाखा द्वारा लिंक कैल जाय छे। अहाँ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एहि प्रक्रिया के जानकारी SMS द्वारा देल जाय छै।